हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्रो चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओपन बुक से आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं है, किस प्रकार से पेपर आता है और किस प्रकार से हल किया जाता है और क्या इसमें देखने की अनुमति होती है कि हम सॉल्यूशन बुक या नोट्स वगैरह में से देख सकते हैं या नहीं। ये सभी जानकारी छात्रों को नहीं होती है, जिसके चलते छात्र अपने पूरे पेपर को भी हल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम आपको इन चारों टॉपिकों पर आज बात करने वाले हैं और आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओपन बुक परीक्षा क्या होती है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि ओपन बुक परीक्षा घर से दी जाती है, लेकिन ओपन बुक परीक्षा में जो पेपर होता है वो कुछ अलग प्रकार से तैयारी की जाता है, इसका भी हम बताएंगे। लेकिन ओपन बुक परीक्षा में आपको ऑनलाइन माध्यम से जैसे व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर पेपर अपलोड कर दिए जाते हैं या फिर स्कूल द्वारा भी पेपर छात्रों तक उपलब्ध करा दिए जाते हैं। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहाँ 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि 3,000 रुपये में, और 10वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है मात्र 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिविजन भी। एक और मज़े की बात, इस लिंक पर जाकर अगर आप 444 कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो, इस बवाल ऑफर का फ़ायदा उठाओ। स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए पेपरों को आप उत्तर पुस्तिका में एक समय सीमा के अंदर आपको हल करना होता है। जैसे ही आपका पेपर हल हो जाता है तो निश्चित डेट यानी कि जो डेट यहाँ पर बताई जाती है उस डेट को आपको उत्तर पुस्तिकाएँ जमा करना होता है। तो ये तो होता है कि ओपन बुक परीक्षा क्या होती है, ये तो आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है कि पेपर कहाँ से बनता है। तो दोस्तों, ये नोटिस करने वाली बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपका जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि आप चीटिंग करना चाहो तो भी चीटिंग ना कर सकें, यानी कि क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर थोड़ा पूछा जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको नोट्स या सॉल्यूशन बुक में देखने को ना मिले। अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं पूरे सिलेबस का, तभी आप उनका आंसर निकाल सकते हो। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम घर से परीक्षा दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम आसानी के साथ पेपर को हल कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप अपनी स्टडी को अवश्य करें और डिटेल में अपने सिलेबस को अवश्य पढ़ें, जिससे आप उस पेपर को अच्छे से हल कर सकें। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपके माइंड में सवाल होगा कि पेपर हल किस प्रकार से किया जाता है, क्या देख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो ओपन बुक परीक्षा होती है, अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते समय भूल जाते हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका सॉल्यूशन बुक या नोट्स में से सारा ले सकते हैं, थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। बाय।